हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज तस्मीत सिंह, वेलकम टू स्टडी खजाना। बच्चे, लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स ऑफ फाइव ईयर प्लान पढ़े थे। आज हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे जी। ध्यान देना मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन नोट डाउन करो। हमारा क्वेश्चन आज का लिखिए बच्चे, जो हमने फाइव ईयर प्लानिंग करी है उसके फीचर्स क्या थे। ठीक है, फाइव ईयर प्लानिंग में डेवलपमेंट करने की कोशिश करी, इंडिया को डेवलपिंग से डेवलप्ड बनाने की कोशिश करी, तो उसमें हमने क्या ऑब्जर्वेशन करी, फीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन। ध्यान देना बेटे बच्चे लफ्जों पे, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ, ठीक है मेरे बच्चा, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ क्या, एक्सप्लेन करना है मुझे बेटा, फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं। क्या करना है जी मेरे को बच्चों, फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं आपको। मेरे लफ्जों पे, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड टिल 1991 मेरे बच्चों। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड टिल 1991। ठीक है जी, आओ बच्चा आगे चलते हैं, इस पर ध्यान देना। क्या फीचर थे मेरी इकोनॉमिक पॉलिसी के जो मैंने परस्यूड करे 1991 तक। आओ ट्विस्ट करें। ओके, आंसर में स्टार्ट करते हैं बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है। ओके बच्चे मैंने बोला कि क्या फीचर है इकोनॉमिक पॉलिसी के, 1991 वाली पॉलिसी के, क्या क्या मैंने अचीव करा। बच्चे मैंने यहां पर बोला, यहां पर पहला पॉइंट में जिक्र करने जा रहा हूं, उसका नाम है, पहला फीचर है हैवी रिलायंस। रिलायंस समझते हो, हैवी डिपेंडेंस, हैवी रिलायंस, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। मेरे बच्चों क्या कहना चाहता है ये पॉइंट, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। हैवी रिलायंस का मतलब होता है हैवी डिपेंडेंस ऑन पब्लिक सेक्टर। ठीक है, हम लोग किस पे ज्यादा डिपेंडेंट है, हम लोग अपने पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा डिपेंडेंट है। मैं शब्द बोलूंगा बच्चों, अभी याद कराऊंगा, आज के आज याद करके सुनाना है आपने, ये आपका एम है, अभी बोला जाएगा और अभी सुना दोगे। आओ जी ध्यान दें शब्दों पर अपने। मैंने बोला सर हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर बेटा कहता है, इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इन इंडस्ट्रियल, पहले आपको आंसर दे देता हूं बच्चों, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 कहती है 17 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक का मतलब बच्चों गवर्नमेंट होता है, 12 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर। यह स्टेटमेंट चिक चिक के कह रही है, वी आर हेविली रिलाइड ऑन, हेविली डिपेंडेंट ऑन पब्लिक सेक्टर। अपने देश की डेवलपमेंट के लिए हम ज्यादा डिपेंडेंट किस पे थे, पब्लिक सेक्टर पे थे। इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, क्या बोला शब्द मैंने बच्चे, इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 17 शब्द पे ध्यान दिया जाए, लफ्ज पे ध्यान दिया जाए, सेवनटीन इंडस्ट्रीज वर एक्सक्लूसिवली, बच्चे क्या बोला मैंने, वर एक्सक्लूसिवली, साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए, 17 इंडस्ट्रीज वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, 17 इंडस्ट्रीज वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर
पब्लिक सेक्टर, क्या बोला मैंने, पब्लिक सेक्टर, शब्दों पर ध्यान लफ्जों पर ध्यान। 17 इंडस्ट्रीज वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर व्हाइल ओनली 12 व्हाइल ओनली 12 इंडस्ट्रीज। पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाइल ओनली 12 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर। मेरे बच्चों, इंडस्ट्री पॉलिसी 1956 कहती है 17 इंडस्ट्रीज वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर एंड ओनली 12 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर प्राइवेट सेक्टर। इट मींस वी आर हाईली रिलाइड ऑन प्राइवेट सेक्टर। मेरे बच्चों, इट मींस India was highly relied on, मेरे बच्चों किस पे, highly relied on sir, public sector sir। It means India was highly relied on public sector। हम किस पे dependent है, we are heavily, highly, usually dependent on public sector। ये शब्द मैं बार बार पुकार चुका हूं, एक शब्द दिमाग में शूट कर गया, एक फीचर दिमाग में सर याद हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। आगे चलते हैं सर, फिर चलो आओ, पहला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए बच्चे, कुछ सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी नोट डाउन करो फटाफट बच्चा, फटाफट फास्ट। मेरे बच्चों ने सबने नोट डाउन कर लिया, हां जी सर सबने नोट डाउन कर लिया। आओ मेरे बच्चों, कॉन्सेप्ट को बढ़ाया जाए, ध्यान दिया जाए मेरे बच्चों, पॉइंट टू नोटेड मेरे बच्चे। आइए आगे चलते हैं जी, सेकंड पॉइंट बोला मैंने बच्चा, सेकंड पॉइंट है रेगुलेटेड, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। एक ही चीज चीख चीख के कह रही है सर, क्या कह रही है सर, ये कह रही है कि प्राइवेट सेक्टर की मेरे बच्चों डेवलपमेंट हुई, बट प्राइवेट सेक्टर को काफी रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़े। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक रिस्ट्रिक्शन को। प्राइवेट सेक्टर फेस्ड सेवरल प्राइवेट सेक्टर फेस सेवरल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है बच्चे, प्राइवेट सेक्टर काफी रिस्ट्रिक्शन फेस कर रहा है, किस किस में रिस्ट्रिक्शन फेस करता है, ध्यान देना मेरे पॉइंट पे, प्राइवेट सेक्टर फेस सेवरल रिस्ट्रिक्शंस। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन फेस करता है, लाइक अभी बेटा मैं आपको इंडस्ट्री एक्ट बता रहा हूं, सच एज लाइक इंडस्ट्री एक्ट, इंडस्ट्री एक्ट 1948, इंडस्ट्री एक्ट 1948 में क्या कहा, इंडस्ट्री एक्ट 1948 स्टेट्स दैट, ठीक है,
ये कहता है बेटा, ये वाला एक्ट ने बोला है, अगर एक प्राइवेट एंटरप्राइज को एंटरप्राइज खोलनी है उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये कहता है स्टेट्स एक्ट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज, एक नई एंटरप्राइज खोलने के लिए मेरे बच्चों, एक नया एंटरप्राइज खोलना है, एक नया वेंचर खोलना है, नया वेंचर खोलने के लिए गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। स्टेट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज दे हैव टू ऑब्टेन लाइसेंस। मेरे बच्चों शब्दों पर ध्यान देना, दे हैव टू ऑब्टेन लाइसेंस, दे हैव टू ऑब्टेन बच्चा लाइसेंस। लाइसेंस कहां से लेना पड़ेगा, दे हैव टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम दी गवर्नमेंट एंड गेटिंग मेरे बच्चों इटसेल्फ रजिस्टर्ड। बड़ा मजा आ रहा है, सारी बातें दिमाग पे चली गई हैं, बड़ी खुशी की बात है मेरे बच्चों। कहता है प्राइवेट सेक्टर को रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ती है, जैसे इंडस्ट्री एक्ट 1948 ने कहा है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज दे हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। हाँ या ना बच्चों, बिल्कुल हाँ, चेक करी, चेक चेक आओ आओ यार, मजा आ रहा है बेटा। एक और एक्ट बताऊंगा, एमआरटीपी एक्ट नाम तो बड़ा अच्छा है यार, लिखते हैं फिर सर, अच्छा है तो लिखो MRTP एक्ट 1969। पहले तो मेरे बच्चे समझेंगे इस नाम का मतलब, एम का मतलब मोनोपोलीस, आर का मतलब रिस्ट्रिक्टिव सर, रिस्ट्रिक्टिव, टी का मतलब ट्रेड सर, पी का मतलब प्रैक्टिसेस सर, ठीक है, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 ने क्या स्टेटमेंट दी है वो सुनेंगे बेटा जी, बहुत ही आसान है ये कॉन्सेप्ट। ठीक ठीक के क्या कह रहा है, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट तो रेगुलेटेड है, ये तो सच है। सो आने सच बात कही, दिल से कही गई बात है, गलत कभी हो ही नहीं सकती मेरे बच्चों। अब MRTP एक्ट ने कहा कि है, अभी याद कर लेते हैं बच्चों, MRTP एक्ट ने कहा है कि MRTP एक्ट चीख चीख के बोलता है मेरे बच्चों, MRTP एक्ट कहता है कि अगर मेरे को अपनी कंपनी को मर्ज करना है, अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना है, अपनी एंटरप्राइज को एक्सपैंड करना है, तब भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये किस एक्ट ने आवाज दी, MRTP एक्ट। इंडस्ट्री एक्ट ने बोला नहीं, एंटरप्राइज के लिए लाइसेंस लेना होगा। ये भाईजान कहते, ये वाले एक्ट कहते कि हमार को अगर अपनी एंटरप्राइज को एक्सपैंड करना है तब भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये स्टेटस 1991 तक का है, उसके बाद चेंजेस आए हैं, चेंजेस आए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वजह से। आओ जी बच्चों, नोट डाउन कर लिया था आपने, एक बार देखने का फिर देख सकते हो। प्राइवेट सेक्टर फेस सेवरल रिस्ट्रिक्शंस, इंडस्ट्री एक्ट ने क्या कहा है, नई एंटरप्राइज के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगला शब्द था, नाम है MRTP एक्ट। एम मतलब एम, आर मतलब आर, टी मतलब टी, पी मतलब पी। सर ये क्या बोल दिया आपने, एम मतलब मोनोपोलीज बच्चे, आर का मतलब रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, मोनोपोली चाहते हैं, मोनोपोली मतलब सेंट्रलाइज्ड की बात कर रहा हूं यार, मतलब कि कह रहा हूं कि सबके पास कंट्रोल ना हो, गवर्नमेंट के पास कंट्रोल रहे, मोनोपोली रहे, अगर बढ़ाना है कुछ भी करना है गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। आओ जी शब्दों पे ध्यान देते हैं, MRTP शब्दों पे ध्यान, MRTP एक्ट स्टेट्स दैट states that
MRTP Act states that for expansion or merger of any enterprise, bachche, for an expansion or merger of any enterprise, they have to obtain license from the government. Mere bachcho, government se license lena padta hai. लफ्ज पे ध्यान, शब्द पे ध्यान, दिलो दिमाग से पढ़ो. एमआरटीपी एक्ट कौन से में था? 1969. आवाज चेक करो इसकी. एमआरटीपी एक्ट कौन सा था मेरे बच्चों? 1969. ठीक है, एमआरटीपी एक्ट 1969. क्या बोला मैंने? MRTP Act 1969. ओके बच्चों, अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. मैंने बोला पहला कि हमने हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, वी आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन पब्लिक सेक्टर. 17 इंडस्ट्रीज को रिजर्व किया पब्लिक सेक्टर के लिए, सरकार के लिए, प्राइवेट के लिए 12 के लिए किया. फिर बोला प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए किसका कंट्रोल है? गवर्नमेंट का. दो एक्ट समझाए, दिलो दिमाग पे छा गए होंगे आई होप. बच्चे इंडिया जैसे देश के अंदर, क्या बोला मैंने? इंडिया जैसे देश के अंदर अगर मुझे अपने देश की तरक्की करनी है, इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, इंडिया में किसकी अबंडेंस है? देर इज अबंडेंस ऑफ लेबर. लेबर की कमी नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन की कमी नहीं है. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. सर कैसे भूल जाते हो, इतनी पॉपुलेशन है, यूथ है. तो हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलनी चाहिए, पैसे की शॉर्टेज है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलने का फायदा सर सिर्फ यही रहेगा. क्या रहेगा जी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलने का फायदा सर यह रहेगा कि यार एक तो इन्वेस्टमेंट कम, पैसे की शॉर्टेज हमारे पास बहुत है और अबंडेंस ऑफ लेबर है. ठीक है, तो तीसरा पॉइंट फीचर इकोनॉमिक पॉलिसी में आया. नेक्स्ट लव्स लिखेंगे बच्चे दिल से. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ क्या लिखा? प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. दिल लीजिएगा बच्चे वाला पॉइंट. प्रोटेक्शन किसकी करी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की करी है सर. प्रोटेक्शन करी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की. एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री सर. ठीक है सर, ध्यान देना जी. एक बारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं किसकी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की. रेगुलेशन किसकी कर रहे हैं सर? लार्ज स्केल इंडस्ट्री की कर रहे हैं. ठीक है बेटा, अब आप जानते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वर ऑफर्ड वेरियस रिस्ट्रिक्शंस. लार्ज स्केल इंडस्ट्री were offered, सबका रिवाइज हो जाएगा, were offered various restrictions. बच्चों were offered various restrictions by, ठीक है, किस किस ने दिए? इंडस्ट्री एक्ट सर. बच्चे बोलो 1948 सर वर ऑफर्ड वेरियस रिस्ट्रिक्शंस बाय इंडस्ट्री एक्ट 1948 एंड एमआरटीपी एक्ट सर 1969. ठीक है, दोनों ने दिया मेरे को. बच्चों किस किस ने दिया?
लार्ज स्केल इंडस्ट्री वर ऑफर्ड वेरियस रिस्ट्रिक्शंस बाय इंडस्ट्री एक्ट एंड एमआरटीपी एक्ट, बट बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रेफरेंस दिया गया, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर ऑफर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, ठीक है, उनको बहुत बेनिफिट दिए गए, उनको लोन की फैसिलिटी दी गई एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी। सब बच्चे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, बच्चे एक मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट नोट डाउन करें, आगे बढ़ाएंगे अपने कॉन्सेप्ट को। अच्छा लग रहा है बच्चों? हाँ जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बस ऐसे ही अच्छा लगना चाहिए, जिंदगी में तरक्की होती जाएगी। चलो जी, समय दे दिया मेरे बच्चों, आप देख सकते हैं ऊपर, एक बार रीड कर देते हैं। एमआरटीपी एक्ट ने कहा है एक्सपेंशन और मर्जर के लिए लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट है, ओके। फिर कहता है प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, क्या कहती है? लार्ज स्केल इंडस्ट्री में रेगुलेशन तो है ही है, काफी सारे एक्ट बताए आपको, बात करेंगे बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में। आइए मेरे बच्चों, लफ्जों पर ध्यान देते हैं और शब्दों पर ध्यान देते हैं, हमारे लफ्ज और शब्द बड़े कीमती हैं। आइए, मजा आएगा लिखने के अंदर, लिखते हुए लिखते हैं यहां पे बच्चा, यहां पे लिखना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सब बच्चे यहां पे ध्यान दें प्लीज मेरे बच्चों, ध्यान दो बच्चा, मैं लिखता हूं बच्चे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बच्चे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती कौन सी है? जिसके अंदर लेस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। पहला पॉइंट, दिस जो लेबर इंटेंसिव होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करती है मेरे बच्चों, ठीक है। पहला बात बोला, कम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करती है। आए बच्चे आगे चलते हैं, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया मेरे बच्चों, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर ऑफर्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर ऑफर्ड प्रोटेक्शन बच्चे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई कहां से? फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, ठीक है, वर ऑफर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, ठीक है। दे आर प्रोवाइडेड फाइनेंशियल हेल्प, दे आर बीइंग प्रोवाइडेड, शब्दों पर ध्यान लफ्जों पर ध्यान, दे आर बीइंग प्रोवाइडेड फाइनेंशियल हेल्प, फॉर द दे आर बीइंग प्रोवाइडेड मेरे बच्चों फाइनेंशियल हेल्प फॉर द अपलिफ्टमेंट, उठाव, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, किस पे मेरे बच्चों? फाइनेंशियल हेल्प किस पे? पॉइंट टू बी नोटेड, एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या बोला मैंने
बड़े कम ब्याज पर एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम ब्याज पे पैसा मिल रहा था सस्ते ब्याज पे। क्लास स्टार्ट करी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसमें कम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है, लेबर से काम कराया जाता है। इंडिया जैसे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना बड़ा बेनिफिशियल था, तो हमने इसके लिए क्या किया मेरे बच्चों, फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए हमने किया प्रोटेक्शन दी फॉरेन कंपटीशन पे, उनको बैंक से लोन प्रोवाइड किया एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बड़े कम ब्याज पे पैसा दिलवाया बच्चे हमने, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा देश इंप्रूव कर गया। आपको पता है एक काम क्या बताने लगा हूं, आपका दिल रोम रोम खुश रहेगी। सरकार ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, दे रिजर्व्ड 112 आइटम्स विच वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। उन्होंने कहा 112 आइटम्स सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएंगी और हम खरीदेंगे। बच्चों मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं, आपका दिल ले जाएगा, किताबों में दे नहीं रखा, आपके सीबीएसई किताब में नहीं दे रखा, लेकिन आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए एक अच्छी बात है, हर किताब में बात नहीं लिखी हुई, लेकिन फिर भी हमारे को बातें एक्स्ट्रा पति होंगी, टीचर को इंप्रेस कर देंगी, आपका लेवल बढ़ा देंगी, आपके आने वाले समय में ग्रेजुएशन में भी बच्चे आप लोग ही पढ़ने वाले हो इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट हल्के में मत लेना, आपके फ्यूचर को बिल्ड करेगा ये, आपके फ्यूचर को बनाना और बिगाड़ना मेरे बच्चों इसी के हाथ में है। चलो आओ सर, आप लोगों ने कॉपी कर ली है, काफी समय दे दिया था मैंने आपको, आगे चलते हैं जी मेरे बच्चों, ध्यान देना बच्चों जी। ओके सर, आए सर, मैं बड़े बड़े लफ्जों में लिख रहा हूं, 112 आइटम्स वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर किसके लिए बच्चा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आज की क्लास का सबसे बड़ा हाइलाइटर है ये हमारा हाइलाइटर, दिखा देता हूं आपको कौन कौन से थे। एक हाइलाइटर था 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व करी पब्लिक के लिए, प्राइवेट के लिए 12 करी, दो एक्ट याद कराए, इंडस्ट्री एक्ट 1948 ने कहा है अगर प्राइवेट एंटरप्राइज को नई एंटरप्राइज खोलनी है गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, एमआरटीपी एक्ट ने कहा 1969 ने अगर कंपनी को एक्सपैंड करना है मर्ज करना है तब भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, हाईलाइटर था। तीसरा पॉइंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया, कारण दो थे, इन्वेस्टमेंट कम और लेबर इंटेंसिव। हमारे देश में दोनों चीजों की फॉरिटी है, पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट कम करना चाहते हैं, लेबर बहुत है, ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑब्वियसली विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, चिक चिक के कह रहा हूं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, चेक आगे, ठीक है, आगे चलते हैं जी। फिर मैंने आपको बताया कितनी आइटम मैंने रिजर्व कर दी मेरे बच्चों, 112 आइटम रिजर्व कर दी सरकार ने, सारा का सारा माल इनसे खरीदा जाएगा, बढ़ावा दिया गया। आओ सर अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगला पॉइंट मैं जिक्र करने जा रहा हूं बच्चों आपके सामने, फोर्थ पॉइंट है जो डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। ठीक है मेरे बच्चों, डेवलपमेंट किसकी हो रही है, हेवी इंडस्ट्री की हो रही है बच्चों, सर डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री, ठीक है जी, डेवलपमेंट हो रही है हेवी इंडस्ट्री की, विच आर ऑफ ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज विच आर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। बच्चे मैं सिर्फ एक शब्द पूछना चाहूंगा, मेरे शब्दों में ध्यान देना, सारे बच्चे समझदार हो, सारे बच्चे मतलब जानते हो, बच्चा हैवी इंडस्ट्री के एग्जांपल क्या होते हैं, सर चिक चिक के कह रहा आयरन एंड स्टील, इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स,
केमिकल्स बेटा, ये दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है बच्चा, मानते हो कि नहीं मानते? सर मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे? आपकी नहीं मानेंगे, किसकी मानेंगे? ठीक है, इन इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट करनी है विच आर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए मेरे बच्चा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, कुछ शब्द लिखवाएंगे इसके बारे में, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी मेरा बच्चा, फटाफट फास्ट फास्ट नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया मेरे प्यारे बच्चों ने? हां जी सर, कर लिए है, बड़ी बेसिक बातें हैं। आगे चलते हैं सर, इंडस्ट्रीज विच आर ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इंडस्ट्रीज जो हमारे देश के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक आयरन एंड स्टील, ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल, फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा शुड बी डेवलप्ड, शुड बी डेवलप्ड मेरे बच्चों फॉर द अप लिफ्ट मेंट ऑफ द नेशन। दिल को ले गया पॉइंट, मजा आ गया सर, बार बार शब्द दिखा रहा हूं, शब्द यही है, देश की तरक्की के लिए इन इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट कर देनी चाहिए। ठीक है बच्चा, क्लास स्टार्ट हुई, मैंने बोला हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, अगला पॉइंट बोला मैंने आपके सामने रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई उसके ऊपर, प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फिर अच्छा पॉइंट बोला डेवलपमेंट ऑफ बच्चा हैवी इंडस्ट्रीज विच आर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। बच्चे मैंने एक और दिमाग लगाया, एक इंसान की तरक्की कब होती है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। इसकी मिस्टर ए है, इसकी सैलरी बच्चा 5 लाख रुपए पर मंथ है, साल का ये 60 लाख अर्न करता है। बच्चे ये कमाता है, पंजाबी पंजाबी आदमी है, हमारे ऐसा पंजाबी है, 5 लाख कमाए, 5 लाख के 5 लाख बच्चा पूरे खर्च देता है। ठीक है, सेविंग्स आर जीरो, ना इसके पास घर खरीदा इसने, ना सेविंग्स करी। ये गुप्ता जी है, ध्यान देना लफ्जों पे, गुप्ता जी, तभी तो गुप्ता जी आगे निकल जाते हैं, पंजाबी पीछे रह जाते हैं। गुप्ता जी की इनकम 2 लाख पर मंथ है। गुप्ता जी क्या करते हैं, सिर्फ खर्चा करते हैं 30,000 का, 1,70,000 है सेव करते हैं, सेव करने के बाद वो इन्वेस्ट करते हैं। तो अमीर कौन हुआ, गुप्ता जी या चड्डा जी? ऑब्वियसली मेरे बच्चों गुप्ता जी अमीर निकले, सेविंग से इंसान अमीर होता है, पैसा आया उड़ा दिया, अमीर थोड़ा हुआ। मैं कहता रिक्शे वाला अमीर है जिसके 2 लाख रुपए सेविंग है, लाखों रुपए कमाने वाला गरीब हो गया जिसके पास सेविंग्स नहीं है। मेरे शब्दों पे और मेरे लफ्जों पे ध्यान देना मेरे बच्चों। हमने सोचा हमारे अगर देश को अपने अमीर बनाना है, अगला पॉइंट मैं बोलता हूं जिसका नाम है मेरे बच्चों थ्रस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। शब्दों पे ध्यान, लफ्जों पे ध्यान, फिर रिपीट करता हूं, शब्दों पे ध्यान और लफ्जों पे ध्यान। भाई गुरु आओ जी, सर जी लिखते हैं क्वेश्चन। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, याद हो गया सर? हो रहा है सर, बिल्कुल बेसिक बात बोल रहे हो। सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक इंसान की तरक्की के सबसे बड़े डिटरमिनेंट है।
सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर द की डिटर्मिनेंट आर द की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक बच्चे ग्रोथ. सर बड़ा अच्छा लग रहा है, सर कह रहे हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट आर द की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. बड़ा अच्छा लगा सुन के, लव्स दिल को ले गया. हां जी सर बिल्कुल ले गया सर दिल को. हाईलाइट कर देते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट से तेज की तरक्की होती है. चेक कर दिया सर, मेट भी कर देंगे सर. इतना नोट डाउन कर ले मेरे बच्चे, फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर सर आगे चलेंगे. जल्दी जल्दी नोट डाउन करो मेरा बच्चा, फटाफट फास्ट शूट करो दिमाग पे साथ साथ. कर लिया नोट डाउन, जल्दी करो मेरे बच्चों. हो गया मेरे बच्चों का नोट डाउन, चलो मेरे बच्चा आगे चलते हैं जी. तो बच्चा इसको इंप्रूव करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए मेरे देश ने क्या किया बच्चों, लोगों को प्रमोट करने के लिए हाई इंटरेस्ट रेट्स वर ऑफर्ड टू प्रमोट सेविंग्स, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए सब्सिडीज दी गई, कैपिटल ग्रांट्स दी गई प्रमोट करने के लिए. हाई इंटरेस्ट रेट्स were offered to promote saving. मेरे बच्चों हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर किया गया किसके लिए, सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए. ठीक है जी मेरे बच्चों, आगे पॉइंट पे ध्यान देना. फिर मैं बोलता हूं अगला लफ्ज, सब्सिडीज. सब्सिडी जानते हो, सब्सिडी बेटा गवर्नमेंट ग्रांट देती है. सब्सिडीज एंड कैपिटल ग्रांट्स आर गिवन, सब्सिडी दी गई कैपिटल ग्रांट दी गई टू प्रमोट. मेरे बच्चों लफ्जों पर ध्यान, शब्दों पर ध्यान. सब्सिडीज एंड कैपिटल ग्रांट्स आर गिवन टू प्रमोट, क्या प्रमोट करना ना, शब्दों पर ध्यान और लफ्जों पर ध्यान. टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट, मैंने नोट ऑन करा दिया बच्चे आपको. ठीक है ये पॉइंट बड़ा ही प्यारा था, मैंने इस पॉइंट बोला थ्रस्ट ऑन सेविंग और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट से हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी. हमारा मानना ये था, कहते हैं सेविंग को प्रमोट करने के लिए हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए मेरे बच्चों मैंने क्या बढ़ाया, कैपिटल और कैपिटल ग्रांट्स दी और सब्सिडीज दी. चलो दी बच्चा नेक्स्ट डाउन, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं. बड़ा अच्छा लग रहा है सर, आप अगला पॉइंट कराने से पहले प्लीज हमें रिवाइज करा दीजिए. हाँ मेरा बच्चा मैं करा देता हूं. मेरा पहला पॉइंट बोला हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व किसके लिए की मेरे बच्चों, 17 इंडस्ट्रीज मैं रिजर्व करी पब्लिक के लिए, 12 करी प्राइवेट के लिए. नेक्स्ट मैंने बोला रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सर उसमें आपने क्या बताया, सर मैंने ये बोला रेगुलेटेड डेवलपमेंट है प्राइवेट सेक्टर की. कैसे, इंडस्ट्री एक्ट कहता है अगर नई इंडस्ट्री खोलनी है गवर्नमेंट से लाइसेंस लो, एमआरटीपी एक्ट कहता है अगर इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना है तब भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लो. हमने सोचा देश की तरक्की करने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. प्रोडक्शन कैसे दिया, 112 आइटम्स वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. हमने सोचा डेवलपमेंट करनी है हमें हैवी इंडस्ट्री की भी, जो हमारे देश के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्री, केमिकल फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री एक्सेट्रा. बच्चों पॉइंट टू बी नोटेड, शब्दों पे ध्यान लफ्जों पे ध्यान. थ्रस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग को बढ़ाने के लिए हमने अच्छा ब्याज ऑफर किया है पब्लिक को, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए हमने कैपिटल ग्रांट्स दिए मेरे बच्चों. आगे देखते हैं जी, शब्दों पे ध्यान और लफ्जों पे ध्यान रहना चाहिए. अगला पॉइंट है बड़ा ही प्यारा,
प्रोटेक्शन फ्रॉम इस इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने 1991 तक सोच छोटी थी, सोच कहती थी प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। मेरे बच्चों क्या बोला मैंने, लव्स और शब्द, प्रोटेक्शन कहां से, फॉरेन कंपटीशन से। ठीक है, इंडिया को प्रोटेक्ट किया गया, इंडिया को प्रोटेक्ट कैसे करा, फॉरेन कंपटीशन से। बेटा दो ही चीजें हो सकती हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन बाय इंक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, दे प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स बाय इंक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटी एंड बाय इंप्लॉइंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। शब्दों पे ध्यान और लफ्जों पे ध्यान। बाय बाय इंक्रीजिंग मेरे बच्चों इंपोर्ट ड्यूटी, शब्द पे ध्यान लफ्ज पे ध्यान, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। ठीक है मेरे बच्चे, बाय इंक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं हम, और एंड बाय इंप्लाइंग, क्या इंप्लाइंग कर रहे हैं बच्चा, एंड बाय इंप्लाइंग क्वांटिटेटिव एंड बाय इंप्लाइंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स। शब्द हमारे दिलो दिमाग पे छा गया जी, मैंने बोला कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दी इंपोर्ट पे कि आप इसके बियॉन्ड इंपोर्ट नहीं कर सकते। मेरे बच्चा पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बाकी नोट डाउन करा दूंगा। अगला पॉइंट था प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के दिमाग में दो बातें शूट करती, बाहर वाले को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, उसके लिए ड्यूटी बढ़ा दो, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो। ठीक है, ताकि माल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का बिके, और रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि आप इसके बियॉन्ड इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। ये बातें 1991 तक के बच्चे, 2016-17 की मत सोचना, समझ नहीं आएगा कुछ भी। शब्दों पे ध्यान और लफ्जों पे ध्यान। जल्दी करो बच्चों, मेरे नोट डाउन जल्दी करो, बस कुछ पॉइंट रहेगा मेरे बच्चों, कुछ ही पॉइंट्स के बाद मैं आपको क्लास वाइंड अप कर दूंगा। आई नो आप थक गए हो आज की क्लास के अंदर, लेकिन शब्द बड़े ही प्यारे थे मेरे बच्चों, शब्द दिल को ले जाने वाले थे मेरे बच्चों। हाँ या ना, हाँ सर बिल्कुल सर, आपने बोला था वैसा ही था, एक एक दिमाग में पॉइंट शूट कर गया है। ओके, नो डाउन हो गया। चलो जी बच्चों आओ आगे चलते हैं, बड़ा मजा आ रहा है आज। ये भी लिख लीजिए, दो रीजन थे। पहला रीजन चीख चीख के कह रहा है सर, पहला रीजन था इंक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटी, याद ही करा दिया सर आपने तो। दूसरा क्वांटिटेटिव, क्योंकि हमारे को तोड़ना क्या है, तोड़ना सर इंपोर्ट है, क्वांटिटेटिव। मेरे बच्चों क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट, बड़ी खुशी हो रही है मेरे को बताकर, आपको आपको भी हो रही होगी। आओ बच्चे अगला पॉइंट करते हैं। हमारा एम क्या था, एक और फीचर आया इकोनॉमिक पॉलिसी से, फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, करा दिया। ठीक है बेटा, फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन,
ये पॉइंट भी थोड़ा मिलता जुलता आपको याद ही होगा बच्चे पहले से ही। फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। आओ जी लिखते हैं इसके बारे में बच्चा, क्या है आज हमारा फोकस, क्या हमारा देश का इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे। इट मींस टू प्रोड्यूस गुड्स डोमेस्टिकली, नॉट टू रिलाय ऑन अदर कंट्रीज फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इट मींस टू प्रोड्यूस गुड्स डोमेस्टिकली, शब्द पर ध्यान देना, अपने देश में माल बनाएंगे इंडिया के अंदर। इट मींस टू प्रोड्यूस गुड्स डोमेस्टिकली, नॉट टू रिलाय ऑन अदर कंट्रीज। टू प्रोड्यूस गुड्स डोमेस्टिकली, नॉट टू रिलाय ऑन अदर कंट्रीज फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। मेरे बच्चों कहते हैं गुड्स को डोमेस्टिकली अपने देश में बनाओ, बाकी कंट्रीज पे रिलाय मत करो। नॉट टू रिलाय ऑन अदर कंट्रीज फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स मेरे बच्चों, ठीक है। इंस्टेड क्या करो, एक्सपोर्ट गुड्स टू वेरियस नेशंस। इंस्टेड एक्सपोर्ट गुड्स टू वेरियस नेशंस मेरे बच्चे। शब्दों पे ध्यान, लफ्जों पे ध्यान। इंस्टेड क्या करो, एक्सपोर्ट वेरियस गुड्स टू वेरियस नेशंस। मैंने शब्द बोला फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सब बच्चों ने साथ साथ लिख लिया था। हां जी सर। इट मींस टू प्रोड्यूस गुड्स डोमेस्टिकली, नॉट टू रिलाय ऑन अदर कंट्रीज फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंस्टेड एक्सपोर्ट गुड्स टू वेरियस नेशंस। ये सोच बन गई थी, ठीक है जी। मेरे बच्चों मैं आपको दो पॉइंट दूंगा, फिर क्लास वाइंड अप करेंगे जी, ठीक है जी। ओके सर, एक बार रिवाइज करा दो, सिर्फ हेडिंग रिवाइज करा दो। दिमाग में शूट तो हमारे कर चुका है, आपने इस दिमाग में डाल दी सारी बातें। मेरे बच्चा मैंने तेरे को सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है बच्चे। तीसरा पॉइंट मैंने बोला प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। उसके बाद मैंने बोला आपको नेक्स्ट पॉइंट, मैंने बोला डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री विच आर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। सर फिर आपने बोला थ्रस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सर चेक करता है दिमाग के अंदर बेटा, थ्रस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बाद में बोला प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बच्चे अगला पॉइंट बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। सोच छोटी थी देश की, देश की सोच छोटी होने के कारण देश क्या बोलता है, देश की सोच कहती है सर, देश की सोच कहती है कि हमारे को बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं करानी, क्योंकि वो हमारे देश पे आके कंट्रोल करने लग जाएंगे, वो हमारे देश में आके पैसा कमाने लग जाएंगे। हमारा मानना था लोन ले लो लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करानी। आओ आठवां पॉइंट लिखते हैं मेरे बच्चों, आई होप सब बच्चों ने नोट ऑन कर लिया। हां जी सर, सबने नोट ऑन कर लिया, घबराओ मत, आगे चलो जी। आओ सर लिखते हैं फोकस, फोकस नहीं सर, क्या हो गया सर, फोकस होना बोला था आपने, तो बोला था रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। कहते हैं सर फॉरेन कैपिटल पे रिस्ट्रिक्शन लगानी है, कैसी रिस्ट्रिक्शन लगानी है जी, देखते हैं हम भी कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगेगी ऐसी। आओ पढ़ें, कहता है देयर शुड बी नो, देयर शुड बी नो एफडीआई। सब बच्चों के दिमाग में शूट करवाता हूं बेटा, एफडीआई का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। शब्द याद हो गया, देयर शुड बी नो एफडीआई फ्रॉम अब्रॉड
देयर शुड बी नो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इंस्टेड इंस्टेड दे प्रेफर Instead, they prefer taking loans from abroad, but not foreign direct investment. बच्चों उनकी सोच थी कि हम लोग foreign direct investment नहीं करेंगे, चाहे हम बाकी बाहर के देशों से लोन ले लेंगे. रिस्ट्रिक्शन लगाई गई. सोच मैंने आपको बता दी, सोच बड़ी छोटी है. कहते हैं अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, उनका कंट्रोल हो जाएगा, हमारे देश में आके वो पैसा कमा लेंगे. अरे तुम ये देखो, तुम्हारा पैसे ही नहीं है, तुम्हारे देश में आके तुम भी तो कमाओगे. सोच को बड़ा करो सर. 1991 के बाद सोच बड़ी हुई. रीजन आप जानते हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस समय, इस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे. आपको बताऊं बच्चा एक बात, अक्सर डिस्कस करने का मन कर गया. मनमोहन सिंह जी की याद आई. मनमोहन सिंह जी जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे मेरे बच्चों, मोदी जी से पहले, तो यार पहले जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने मेरे देश में काफी तरक्की करी है, बहुत तरक्की करी है. आने वाले चैप्टर में देखोगे, मनमोहन सिंह हमारे लिए बड़ा कीमती इंसान है. उसकी वेटेज हमारे एग्जाम में 15 से 20 नंबर की होगी. हर एक स्कूल में होती है, आपके स्कूल में भी जरूर होगी. आई होप आप मेरी बातों को दिल पे ना लें, दिमाग और दिल दोनों पे लें. चलिए जी, आइए चलते हैं आगे. ओके सर, आगे चलो सर. आखिरी पॉइंट आठ करा दिए थे सर, नोट डाउन कर लो मेरे बच्चों प्लीज. नोट डाउन करने के बाद बच्चे, नोट डाउन कर लिया ठीक है जी. नोट डाउन करने के बाद बच्चे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, जो हमारा पॉइंट का नाम है पॉइंट नंबर 9. नाइन्थ पॉइंट लिखिए जी. क्या पॉइंट है बच्चा? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. क्या बोला मैंने? बस हमारा खत्म होने वाला लास्ट पॉइंट है आज का, ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. ठीक है जी, पॉइंट पर ध्यान देना. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या है बच्चे? हमारे देश में डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम बनाए गए स्टेट में विद द पर्पस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देखना, दो शब्द लिखवाऊंगा, क्लास वाइंड अप कर दूंगा. आज का क्लास का क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन था. आई होप एक एक बच्चे के दिमाग में एक एक पॉइंट गया है, यही उम्मीद करता हूं. प्रोग्राम्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे एट द स्टेट लेवल, एट द स्टेट लेवल अलाइंड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल प्लानिंग. बच्चे सरकार ने, मिनिस्टरों ने सेंट्रलाइज प्लानिंग करी कि क्या प्रोग्राम करें स्टेट में, क्या एक्टिविटी करें, क्या एक्शन करें, क्या रिएक्शन आए जिससे मेरा देश की तरक्की हो जाए. ठीक है, तो एक और पॉइंट बता दिया मैंने, 9 पॉइंट बताया बेटा सेंट्रलाइज प्लानिंग. आज की क्लास में हमने एक एक पॉइंट पे काफी ध्यान दिया है. एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे के सारे पॉइंट, फिर क्लास वाइंड अप कर देंगे. ठीक है, ओके. पॉइंट नंबर वन इज, पॉइंट नंबर वन बच्चा हमने पढ़ा था बेटा, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर. ठीक है जी, उसके बाद मैंने आपको बताया प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, थ्रस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री. ठीक है जी बच्चा, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री पढ़ने के बाद हमने कुछ पॉइंट पढ़े लाइक फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल, सेंट्रलाइज प्लानिंग. आज की क्लास में बच्चे हमने एक एक पॉइंट पे काफी ज्यादा ध्यान दिया है. ठीक है, आई होप मेरा एक एक बच्चा एक एक पॉइंट पे ध्यान देगा. ओके मेरा बच्चा, कल मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. 5 ईयर प्लानिंग हमने 75% कवर कर दी है, बाकी का 25% आने वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे मेरे बच्चों. ओके मेरे बच्चों, बाय, सी यू, कल मिलते हैं फिर से बच्चों.